ठीक है, करें। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50, फिर 100 टू 200 कह रहा है। फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जी? तो 1, 3, 5 ऐसे करके कहाँ तक? 49 तक। तो अभी हमने देखा है कि एन स्क्वायर होता है, तो इसमें कितने टर्म है अगर हमें पता चल जाएगा, 25 टर्म होंगे, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। ऐसे भी हमने देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, लेट एन टर्म्स इन द गिवन एपी। ये जो अभी एपी देख रहे हैं इसमें एन टर्म्स है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म जो है ए का वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस जो है डी का वैल्यू a2 - a1 2 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ nth टर्म क्या है, यहाँ पे 49 है, तो इसका फॉर्मूला होता है a+n-1 × d = 49। ए का वैल्यू 1 + n-1 × d का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2 है, = 49। यानी कि n-1 × 2 = हो जाएगा 48। हाँ, अब ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो n-1 = 24। 1 जाकर ऐड होगा तो n का वैल्यू 25। नंबर ऑफ टर्म 25 आ गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिए हैं, तो sn = n/2 a+an। ये भी तो लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 25/2 × में फर्स्ट टर्म है आपका आपका 1 और ये an है 49, तो आ जाएगा यहाँ 25/2 × 50। इससे हम लोग काट सकते हैं 25 टर्म, यानी कि 625 इसका आंसर आ गया। मैंने पहले भी बोला था कि आपका यही आंसर आएगा, है ना जी? चलिए अब इसका